याकूब 1 उसकी 22-27 आयत को पढ़ेंगे। लिखा, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। बोलो अपने पड़ोसी को, वचन पे चलना है, सिर्फ सुनना नहीं। जो कोई वचन का सुनने वाला हो और चलने वाला उस पर ना हो, वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, फिर अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। जो वचन को सुनता है, आई एम ब्लेस्ड, हाँ पास्टर बोलता है, बोलो आई एम ब्लेस्ड, और घर जाता है बोलता है, ओह मेरे को तो पैसे ही है नहीं, मैं तो गरीब ही बहुत हूं, क्योंकि वो वचन को सिर्फ क्या करता है, सुनता है और जल्दी भूल जाता है, अपना चेहरा देखता है और फिर भूल जाता है कि मैं कैसा था। अगर तुम ये बिलीव करते हो कि तुम ब्लेस्ड हो, जब तुम्हारे पास खाना नहीं है तब भी तुम ब्लेस्ड हो, तुम अपने आप को ब्लेस्ड बोलते रहोगे और हेवन को वो ब्लेसिंग को रिलीज करना होगा तुम्हारी लाइफ के ऊपर। जो कोई व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं परंतु वैसा ही काम करता है। बट हूज लुकेथ इनटू द परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी, कहता स्वतंत्रता की एक सिद्ध व्यवस्था है, क्या है, किसकी, फ्रीडम की, आजादी की, किससे आजादी, देश तो आजाद हो गया हमारा गोरों से, अब किससे आजादी, हाँ शैतान से, उसके किंगडम से, उसकी बीमारियों से, उसके कलेशों से, उसके अटैक से, शराब से, गंदगी से, दुष्ट आत्माओं से, जादू से, टोनों से, कमजोरियों से। परमेश्वर ने कहा उस आजादी की एक सिद्ध व्यवस्था है, परफेक्ट लॉ है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं, कहता जो कोई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। एक औरत ने वचन सुना, मांगो तो दिया जाएगा, घर गई, कभी परमेश्वर मैंने बैलां दी जोड़ी चाहिए दिया, एक दिन मंगया, दो दिन बड़ी जोश, तीजे दिन बहुत जोश, चौथे दिन थोड़ा जोश ठंडा, पंजवें दिन होर ठंडा, सतवें दिन एक लाइन दी प्रेयर, प्रभु जी बैलां दी जोड़ी चाहिए, आमीन, खत्म प्रेयर। उसे लगा अब होगा नहीं। एक परमेश्वर का दास उसके घर आया और उसने कहा कि जब मैं प्रेयर कर रहा हूं तो मैं दो सांप देख रहा हूं और उनके पेट बहुत बड़े बड़े हैं, क्या तू प्रभु से कुछ मांग रही थी ऐसा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जब तूने मांगना छोड़ दिया तो वो शैतान तेरी आशीष को खा गया। परमेश्वर ने कहा, जब उसने दूत को भेजा, दानियल के पास दूत आया और उसने कहा, जब तूने रोजे रखने शुरू किए थे, जब तूने प्रार्थना करनी शुरू की थी, तो पहले ही दिन परमेश्वर ने मुझे आसमान से तेरा उत्तर देने के लिए भेज दिया था, लेकिन जब मैं तेरा उत्तर लेके आ रहा था तो एक शैतान मुझे रोके रहा और मैं 21 दिन तक उसका सामना करता रहा। अब विश्वासी मांग चुका है, परमेश्वर भेज चुका है, लेकिन बाइबल कहती है इस रास्ते में शैतान उस आशीष को रोके हुए है ताकि उसके विश्वास को खराब कर सके कि प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो परमेश्वर ने कहा जो कोई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान एक बार करता है, क्या लिखा है, कहता करता रहता है। आज आपको बिलीव है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, कल अगर रिपोर्ट और बुरी आती है, आप फिर परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएंगे और बोलेंगे, खुदावन नहीं, तेरे वचन में लिखा तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आप फिर प्रेयर करेंगे, आप वही फास्टिंग करेंगे, आप उस वचन के साथ लिपटे रहेंगे, आप अपने विश्वास को छोड़ेंगे नहीं। उसने कहा ये परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी है, ये एक सिद्ध व्यवस्था है। सिद्ध व्यवस्था का मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जो कभी भी फेल नहीं होती। कितने समझ रहे हैं, कहता है ऐसी सिद्ध व्यवस्था है जो कभी फेल नहीं होती। जब परमेश्वर ने मुझे छुड़ाना था और मैं अपनी लाइफ के उन दिनों में था, मुझे ऐसा लगता था, आपको मैं सच कह रहा हूं, सेवकाई में आने के बाद भी मुझे यकीन नहीं था कि इन चीजों से परमेश्वर मुझे छुटकारा दे सकता है।
जबकि हीलिंग लोगों की लाइफ में हो रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता कि ये चीजें बहुत बड़ी हैं, ये चीजों से मुश्किल है छूटना। ये तो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर चुके हैं। और एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि रोज घंटों मेरी प्रेजेंस में बैठना है। तो मैं क्या करता था, शाम को तीन चार बजे मैं प्रेयर के रूम में चला जाता था। वहां पर टीम होती थी तो उनको मालूम था कि मैं आ गया हूँ, 6-8 घंटे इनके कहीं मैं हिलने नहीं दूंगा। तो वहां बैठ के मैं लगातार प्रेयर करता था। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं लोगों को अपनी टीम को बताता था ये बात कि प्रार्थना करने वक्त भी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं फ्री हो सकता, लेकिन मैं कॉन्टिन्यूस प्रेयर में रहा, क्योंकि उसने कहा ये परफेक्ट लॉ है लिबर्टी का कि अगर तुम उस पर ध्यान देते रहोगे, अगर तुम अपनी बात छोड़ोगे नहीं, अपने विश्वास को छोड़ोगे नहीं और वो करते रहोगे जो राइट है, तुम्हें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये व्यवस्था सिद्ध है। उधर कबूतर जा रहे हैं, हालेलुया। ये व्यवस्था क्या है? सिद्ध का मतलब क्या है? परफेक्ट, हिलेगी नहीं, फेल नहीं होगी। तुम आ रहे हो टेस्टिमनी के साथ, अगर तुम अपनी जगह खड़े रहोगे, अपने फेथ के ऊपर खड़े रहोगे। एक वचन सुना, अच्छा हमें टाइथ बोना है, ठीक है, एक महीना बोया, देखा असर नहीं हुआ, 2 महीने असर नहीं हुआ। बाइबल कहती है ए मूर्ख, किसान भी जब बीज डालता है तो 6 महीने 3 महीने 4-5 महीने धीरज रखता है। अगले महीने नहीं चला जाता, यार बीज पाया सी होले हो यार, चलो छोटो कोई और काम कर ली। लिखा अगर वो धीरज रखता है और पहली बारिश और अंतिम बारिश, क्योंकि पुराने समय में बारिश के ऊपर खेतियां निर्भर करती थी, उसकी आस करता है और विश्वास करता है कि वो फल लेके आएगा, तो परमेश्वर ने कहा तुम भी ये बात समझ लो कि जो बीज तुम में बोया गया वो फल लेके आएगा। जो तुमने सुना कि स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था है, मुझे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मैं गरीबी से थक गया हूं, मैं ये फिजूल खर्ची थक गया हूं, मैं शैतानी चीजों थक गया हूं, मैं टाइथ बोऊंगा, 1 बार 2 बार 3 बार 1 साल 2 साल वो रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी है। जो व्यवस्था परमेश्वर ने बनाई है वो बिल्कुल सिद्ध है, उसमें 1% भी फेल होने का चांस नहीं है। हालेलुया, 1% भी। अगर आपको हीलिंग चाहिए उसके लिए व्यवस्था बनी है। अपने शरीरों को पवित्र कीजिए, प्रार्थना में जाइए, अंगीकार कीजिए, परमेश्वर के करीब जाइए, अंगीकार कीजिए उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, प्रभु की आत्मा की अगुवाई मांगिए, प्रार्थना सभाओं में मास पैर को कीजिए, आमीन आमीन बोलिए, विश्वास को कीजिए। वो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि एक बार करो, उसने कहा जो कोई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है कॉन्टिन्यूस रोज। आज आपका दिल कर रहा है, कल नहीं करेगा, आज प्रार्थना करने का दिल कर रहा है। लोग आके पूछते हैं, कई बार बोलते हैं कि पास्टर जी मेरा प्रार्थना करने को दिल नहीं करता, तो मैंने कहा मेरा भी नहीं करता दिल नहीं करेगा प्रेयर करने का, लेकिन जब आपको वचन का ज्ञान हो जाता है, आपको यह मालूम हो जाता है कि ये राइट है ये रॉन्ग है, आप उसके लिए खड़े रहते हैं। दुनिया तड़फे, दुनिया मरे, दुनिया लोट लोट के डांस करे, आप अपनी सच्चाई से हटेंगे नहीं कभी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं अपने बर्थडे वाले दिन या तो नाइजीरिया में होता था अपने स्पिरिचुअल फादर के पास, या अगर मैं यहां पे हूं, आपने मुझे कभी भी बर्थडे वाले दिन बाहर नहीं देखा होगा। मैं सुबह घुसता हूं प्रेयर रूम में, रात को नहीं, 4 जनवरी को घुसता हूं, 5 जनवरी को निकलता हूं। मेरा पहला व्यक्ति, मेरा पहला शख्स जिससे मैं बर्थडे में एंटर करते वक्त बात करता हूं, वो पवित्र आत्मा है। पिछले कई सालों से मेरा परिवार वेट कर रहा होता है, किसी से मैं बात नहीं करता, क्योंकि मुझे ये मालूम है अगले साल जो मुझे चाहिए वो कौन दे सकता है? वो डीजे पर गाना दे सकता है? हाँ, तनक 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 दे सकता है? अगर मेरा बर्थडे वहां बीतेगा तो अगला साल भी शैतान पूरी तनक तनक करेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो मुझे पता है कि वो ग्रेस मुझे प्रभु की प्रेजेंस से मिलनी है, तो मैं अपना बर्थडे उसकी प्रेजेंस में बिताता हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?
ना मुझे बर्थडे मनाने का शौक है। आप लोगों में आ जाता हूँ, इधर से फूल फूल लिए, उधर से दो फूल लिए, ये मेरा बर्थडे है। हालेलुया। मुझे मालूम है कि मेरा हर दिन बर्थडे है अगर पवित्र आत्मा मेरे साथ है तो मैं उस प्रेजेंस में, क्योंकि मुझे स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था मालूम हो गई, मुझे ये सोर्स मालूम हो चुका है कि मेरा सोर्स कौन है। आज प्रॉब्लम ये है कि लोगों को अपना सोर्स पता नहीं है कि मुझे बरकत चाहिए कहां से आएगी। वो रिश्तेदारों की ओर देखते हैं, डॉक्टर्स की ओर देखते हैं, आदमियों की ओर देखते हैं। जब आपको स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, परफेक्ट लॉ है, कहता कभी भी ये टूटता नहीं, ये फेल नहीं होता, ये कम नहीं होता, आज काम करेगा कल नहीं करेगा, अच्छा 2000 साल पहले बना था आज की दुनिया में काम करेगा, कहता ऐसा नहीं है, ये परफेक्ट है, आज भी काम करेगा, 100% काम करेगा अगर तुम चलोगे तो करना क्या होगा? अब मुझे अपना सोर्स ढूंढना होगा कि मेरा सोर्स जो, मेरा सोता जो है वो परमेश्वर है। तो मुझे अपना समय परमेश्वर को देना है ताकि मैं अपने सोर्स से सभी चीजों को ले सकूं। आमीन। कितने समझ रहे हैं इन चीजों को? इसीलिए मुझे किसी चीज के लिए, जिन चीजों पर लोगों का जोर लगता है, हालेलुया, आप कोई चीज आप देख लो इंटरनेट के ऊपर, कहीं भी देख लो, मैं कहीं जोर लगाने में नहीं जाता हूं। जब आप प्रभु के साथ हैं, आपके साथ इतने हजारों लोग बिना पे के खड़े हो जाते हैं कि लोग बोलते हैं यार ये किससे पंगा लिया मैंने। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि मेरा सोर्स कौन है? पवित्र आत्मा। मेरा समय किसके साथ जा रहा है? जब आपको सोर्स मालूम होता है कि मेरी ब्लेसिंग का, मेरी ताकत का सोर्स परमेश्वर है, आप फिर बेचिंत हो जाते हैं। और ये स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है और वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं। उसे सुन गया कि मुझे टाइट देना है, सुन गया मुझे प्रेयर करनी, सुन गया मुझे इस तरह से परमेश्वर में चलना है। और बाइबल कहती फिर उसे भूलता नहीं, उसे रोज करता है, दिल करे ना करे, मन करे ना करे, सिचुएशन बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए, लेकिन वो उसी वचन पे खड़ा रहता है। तो बाइबल कहती उसे स्वतंत्रता पाने से कोई भी रोक नहीं सकता। अगर आप जेन्युइन हैं और आप परमेश्वर से एक जेन्युइन फ्रीडम को लेना चाहते हैं, आपको वचन के ऊपर कंप्लीट चलना पड़ेगा। 31 का वचन सुना, वेदी प्रार्थना की बना ली, और 10 दिन बाद वेदी कहाँ है जी, पता ही नहीं। इसलिए उसने कहा वो वचन को सुनकर भूलता नहीं और वैसा ही काम करता है। 31 को मुझे सुना था मुझे वेदी बनानी है प्रेयर की, वेदी बनाई, जनवरी को भी बनी हुई है, फरवरी को बनी हुई है, मार्च भी बनी हुई है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये नहीं 31 को वचन सुना, 2-3-4 जनवरी को बनी, 5 को मिस हो गई, 6 को मिस हो गई, दासनु फिर खोता बोर्ड थल, फिर वही कोशिश, वही गाने, वही टीवी, वही सिस्टम, कुछ बदला नहीं। बस 31 नाइट के बाद 4 दिन बदले, उसके बाद फिर उठे दे उठे। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम डिलीवर नहीं, इसलिए तुम स्वतंत्र नहीं, इसीलिए तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ के उन हिस्सों को जहां तुम चाहते हो कंट्रोल हो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे परिवार पर तुम्हारा कंट्रोल हो, तुम्हारे फाइनेंशियल लाइफ पर तुम्हारा कंट्रोल हो, तुम्हारी सेहत पर तुम्हारा कंट्रोल हो, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को कंट्रोल में कर लो, सब कुछ कंट्रोल में आ जाए। अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ कंट्रोल में आ गई, सब चीजें ऑन लाइन में आ जाए। फिर पढ़ेंगे उसको, कहता है वो स्वतंत्रता की, जो व्यक्ति सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं। स्वतंत्रता की, बोलो अपने पड़ोसी को, सिद्ध व्यवस्था, फिर से बोलो पड़ोसी को, फिर से बोलो पड़ोसी को, आमीन। एक ऐसी व्यवस्था जो कभी फेल नहीं होती, एक ऐसी व्यवस्था जो कभी फेल नहीं होगी, वो स्वतंत्रता की है, वो फ्रीडम की है। और जब आप पवित्र आत्मा के साथ समय बिताएंगे तो बाइबल कहती है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। आपको क्या लगता है आप प्रार्थना की वेदी बनाकर रोज प्रभु के सामने जाएंगे, आपको क्या लगता है वो आपसे बात नहीं करेगा? हो सकता है वो प्रार्थना के समय आपसे बात ना करे,
लेकिन जब प्रार्थना करने के बाद आप अपने काम पर जा रहे हो, किसी एक विश्वासी के द्वारा वो आपकी जिंदगी में कोई इंटरेक्ट बात कर जाए, ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाए जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की, क्योंकि आपने स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान दिया, आपने जो वचन बताया गया था उसको भूले नहीं और आप उसको वैसा ही करते रहे। आमीन। उसने कहा वो व्यक्ति भूलता नहीं परंतु वैसा ही करता है। अपने पड़ोसी को बोलो जैसा सुना है वैसा ही करना है। आमीन। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, कहता ये सिद्ध है, ये परफेक्ट है, ये फेल नहीं होगी। आप रोज पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में जाएंगे, उसकी वेदी बनाएंगे, आपको क्या लगता है वो आपसे बात नहीं करेगा? वो आपको छुड़ाएगा नहीं, वो आपसे बात करेगा अपने तरीके से। उस सिस्टम को ऐसा बनाएगा कि आपके आसपास, सुनो मेरी बात, बाइबल कहती है जब हम मत्ती की पुस्तक पढ़ते हैं कि जीसस क्राइस्ट जब यूहन्ना बंदी बना लिया गया तो गलील को छोड़कर वो चले गए कफरनहूम में। पता क्या लिखा आगे? कहता इसलिए कि लिखा है यशाया भविष्यवक्ताओं के द्वारा कि जो अंधकार में पड़े थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। जीसस क्राइस्ट जब गलील को छोड़ के गए तो वो लिखा हुआ था। क्या था? अब मेरी बात ध्यान से समझना। यीशु मसीह जब यूहन्ना को जेल में डाल दिया तो बाइबल कहती यीशु मसीह गलील छोड़कर कफरनहूम में चले गए। समझ आ गई इतनी बात? आगे लिखा है बाइबल में, क्योंकि लिखा है यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में 700 साल पहले कि हे कफरनहूम, कि लिखा है कि यीशु मसीह का वहां जाना प्रोफेटिक था। बाइबल में लिखा हुआ था कि यीशु मसीह वहां जाएंगे। समझ आई? क्यों? यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा था, बाप का आत्मा था। समझ आई ये बात? जिस दिन आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, ये बड़ी डीप चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आ जाता है। ओके? अब आपको मालूम है आप जो भी करेंगे या आप जहां भी जाएंगे वो सब ऑलरेडी प्लान्ड है परमेश्वर के द्वारा। आपको लगता है आप फिर से वही बोरिंग जॉब पे जा रहे हो मॉर्निंग 9? नहीं नहीं नहीं, वो चेंज हो चुका है, वहां से कहीं और डायरेक्शन में खुदावंद का स्पिरिट आपको ले जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि होली स्पिरिट कहां है आपके? जब जीसस के अंदर होली स्पिरिट था तो लिखा वो जहां भी जा रहा था वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था बाप के द्वारा कि ये वहां 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 जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है कि धर्मी के स्टेप्स गॉड के ऑर्डर किए होते हैं, खुदा की ओर से होते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर हो तो पाप की ओर मत जाओ, क्योंकि वो परमेश्वर का रास्ता नहीं है। वहां आप डिवाइन हेल्पर्स नहीं पाएंगे, वहां आप पीस नहीं पाएंगे, वहां तरक्की नहीं होगी, वहां आप परमेश्वर के मकसद को पूरा नहीं कर पाएंगे, वहां शैतान से आजादी नहीं होगी। जब आप परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आ गया उसके बाद आप विश्वास से चलते जाओ, क्योंकि परमेश्वर चीजों को अरेंज करेगा, इवेंट्स अरेंज करेगा, घटनाएं बनाएगा जो आपको ऊपर के बाद ऊपर लेके जाएंगे और आप कभी नीचे नहीं होंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन शर्त यह है आपके अंदर होली स्पिरिट होना चाहिए। होली स्पिरिट का मतलब यह नहीं है कि आपको गैर भाषा होनी चाहिए। अगर आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, बपतिस्मा ले लिया है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, हाँ पवित्र आत्मा की भरपूरी एक अलग चीज है, गैर भाषा भरपूरी में आता है, वरदान में आता है, लेकिन हर बंदा जो पवित्र आत्मा से प्यार करता है, परमेश्वर से प्यार करता है, वचन से प्यार करता है, उसका परमेश्वर सिर्फ एक ही है, वो उसी के आगे सिर झुकाता है। वो हर एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर है और बाइबल कहती है अगर वो प्रभु के साथ वफादार होगा। आपको लगता है कि उस दिन आप शॉप पे किसी पे जा रहे हो, इवन तक कि कोई छोटी मोटी दुर्घटना भी आपको लगता है कि शैतान ने की, नो, मेरा किसी ने गोडाउन जला दिया,
सुबह 50 लोग होते थे चर्च में, तो चर्च आ गए, ओ पास्टर जी बहुत बुरा हुआ, ओ बहुत माड़ा होया, चलो कोई गल नहीं। मैं कहां लिखा है बाइबल में बुरा हुआ? जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, बाइबल कहती है सब बातें मिलकर जो मसीह यीशु से अर्थात जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। इसका मतलब अगर परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है और मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, सब बातें मिलकर किसको पैदा करेंगी? उस बिजनेस के चलने के बाद वो 50 की कलीसिया उसी साल 500 की हो गई थी, और उसके बाद वो इतना बढ़ी कि इस जगह पे आने से पहले चर्च ने 7 साल में 8 जगहें बदली और फिर यहां पहुंचे। जहां जाते थे जगह भरती थी, जहां जाके फुल हो गया, जहां गए फुल हो गया। अब कभी साथ वाला लड़ रहा है, कभी पड़ोसी लड़ रहा है, तो परमेश्वर ने जगह ये दे दी कि हमारा पड़ोसी कोई नहीं, हमें अपने आप के पड़ोसी। हालेलुया। पड़ोसी काट ही देता है। जब से मैं परमेश्वर में आया हूं मेरा पड़ोसी नहीं है। सही। मेरा घर भी मॉडल टाउन में जहां था, साथ वाली मेरे घर में चौकी थी, पुलिस वाले थे, तो मेरे पड़ोसी पुलिस वाले थे, तो आदमी वहां पे घर वगैरह कुछ नहीं था, मार्केट के बीच में वो जगह थी। जब मैं यहां पे आया हूं खंबरा में, तभी मेरा पड़ोसी वहां कोई नहीं। अब मैं जहां रहता हूं मेरा पड़ोसी कोई नहीं, आप मेरे पड़ोसी हो। तो मुझे परमेश्वर ने शांति में रखा हुआ है। जहां मैं प्रेयर करता हूं वहां पिन ड्रॉप साइलेंस है। अगर यहां पिन भी गिरती है धरती में तो वहां आवाज आती, इतनी साइलेंस में प्रेयर करता हूं। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर होली स्पिरिट आपके अंदर है, वो हर घटना को अरेंज करेगा। आपकी लाइफ में होने वाली हर घटना परमेश्वर के द्वारा अरेंज होगी। अपने पड़ोसी को बोलो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान देना। आमेन। आज से जब मैं परमेश्वर में 1 साल का नया था, तो मसा मुझे चाहिए था और मसा मुझे फील नहीं होता था। तो एक परमेश्वर के दास ने कहा था कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठो, कभी कुड़कुड़ाओ नहीं। सेकंड, कभी भी गंदा मजाक मत करो, नेवर, क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारे मुंह से कोई भी गंदी बात ना निकले, पर आवश्यकता के लिए उतने ही निकले जितनी उन्नति के लिए उत्तम हो। मत्ती 12 उसकी 36-37 आयत लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जीसस ने कहा, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर उस बात का लेखा देंगे, तो अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आइडल वर्ड्स अगर आप उसे पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो डेफिनेशन है आइडल वर्ड की, निकम्मे वचनों की, एम्प्टी रिहोट्रिक इनसिंसियर वर्ड्स। रिहेट्रिक का मतलब है दिखावा करने के लिए या लोगों को प्रभावित करने के लिए वचनों को बोलना। आइडल वर्ड्स का मतलब है ऐसे वर्ड जो खाली हैं, इनसिंसियर हैं, क्योंकि जीसस ने कहा मेरे वचन स्पिरिट हैं और लाइफ, शैतान के वचन स्पिरिट हैं और डेथ हैं। वचनों से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं और वचनों से ही पड़ जाती हैं। जीसस क्राइस्ट ने कहा याकूब में कि जब तू कंगाल को अपनी चर्च में आया देखे और कंगाल को बोले चल पीछे बैठ, और अमीर को बोले तू आगे बैठ, तो परमेश्वर ने कहा मेरे घर में कोई कंगाल तो कोई अमीर नहीं, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं, सब एक जैसे हैं। प्रभु के घर में कोई अमीर गरीब नहीं। वहां नहीं बोला जाएगा सेठ जी आ जाइए आपका न्याय होना है, तो सेठ जी आ रहे हैं और सेठ जी के साथ साथ 2 लोग आ रहे हैं, वहां नहीं होगा। वहां सेठ जी भी ऐसे ही खड़े होंगे, मैं भी ऐसे ही खड़ा होगा और तुम भी ऐसे ही खड़े होंगे। आमेन। वहां कोई बड़ा छोटा नहीं। तो परमेश्वर न्याय मांगेगा कि हर एक निकम्मी बात जो तूने कही है, परमेश्वर ने कहा तू लेखा देगा उसे। आइडल वर्ड्स, इनसिंसियर, लोगों को प्रभावित करने के लिए सिर्फ, उनकी उन्नति के लिए नहीं। यह गंदगी सिर्फ पहले अफ्रीका में देखी थी, वहां है,
क्योंकि जहां जहां रियल कलीसियाएं उठती हैं वहां वहां फेक लोग हमेशा उठें। आप इमेजिन करो, कल एक मैसेज मेरे पास आया, एक व्यक्ति मुझे बता रहा था कि उसके पास एक वीडियो रिकॉर्डिंग है जहां पे ये वो बात कर रहे हैं कि तुझे 50,000 रुपया महीना तनख्वाह दे देंगे और तुझे एक एक्ट्रेस से मिला देंगे, तू क्या करेगा, तू फेक लोगों को खामरा चर्च में लेके जाएगा फेक मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ, गवाही देने के बाद हम बोलेंगे कि खामरा चर्च ने हमें खड़ा किया है और उसने हमें बता दिया। और उन फेकुओं को लगता था कि ये बंदा इनका विरोधी है, वो मेरा विरोधी पिछले साल था, अब नहीं उनको मालूम नहीं था तो हम इतना हंसते हैं ना रोज, आप इमेजिन नहीं कर सकते इतनी हंसी आती। मैंने कहा चलो एक बार आगे कोई कह दूंगा कि सानू फेक खड़ा किता, मुड़ के जाना किथे है, चांद चंद्रमा थे यही इतने ही है, टीम में इतनी बड़ी फौज है ना वकीलों की, मतलब पूरा कपड़े उतार देगी पूरी तरह से वो कि भाई साहब आ जाओ। आप समझ रहे मेरी बात, सच्चाई को जाहिर कर देगी वो, किसी का डर नहीं मुझे। हालेलुया। और मैंने कहा उनको गेम्स आती होंगी, मुझे जीसस आता है, मैं प्रेयर में रहने वाला और उसी पे बिलीव करने वाला हूं, मुझे हंसी आती, मैं हंसता हूं रोज, इतना हंसता मुझे छुपाना पड़ता है कई बार, कैमरे को बोलना चल हट जा। हालेलुया। फिर भी फोटो में खींच लेते हैं चोरी चोरी। हालेलुया। आप इमेजिन करो, और वो बंदा आगे से बोल रहा है कि सर प्रभु के नाम की बदनामी होगी, और आगे वो कह रहा है ओ कोई नहीं देख लांगे, कोई गल नहीं, नाम लेके बोल रहा है वो तेरे साथ है। आप इमेजिन करो, परमेश्वर का कोई भय कोई डर लोगों में नहीं, 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। और आप सोचो कि मैं इन लोगों से अब से नहीं डील कर रहा हूं, जब मेरे मन में था, और जो लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं ना, मैं पूरी तरह से उनके साथ सहमत हूं, क्योंकि मैं भी कभी उनके जैसा था। मुझे लगता कि फेक लोग नहीं होते जब तक परमेश्वर ने मुझे एक्सपीरियंस नहीं कराया, और मैं एक फेक बहुत बड़े नाम के करीब नहीं गया, और करीब से जाके जब देखा तो मुझे बहुत निराशा हुई। उनका पैसा परमेश्वर, उनको कोई परवाह नहीं है कि परमेश्वर के सामने गलती करने पर परमेश्वर क्या सोचेगा, उनको यह परवाह है कि लोगों में हमारी इमेज क्या है, उसको सुधारो। लोगों में इमेज सुधरनी चाहिए, परमेश्वर के सामने कोई चक्कर नहीं। इसलिए दाऊद कामयाब रहा और शाऊल गिरा, क्यों, क्योंकि जब शमूएल ने कहा शाऊल तू गलती पे गलती कर रहा है, परमेश्वर अब तेरा राज्य छीन कर किसी और को दे देगा, उसने कहा चलो ठीक है नीचे मेरे साथ जाएगा ना तो मेरे साथ चलना, कहीं ऐसा ना हो लोगों को लगे कि तुम मुझसे टूट गया। अभी भी उसे परमेश्वर की चिंता नहीं है, अभी भी उसे यह प्रॉब्लम नहीं है कि परमेश्वर उससे नाराज है, उसे यह दिक्कत है कि लोगों को ना लगे कि शमूएल मुझसे रूट गया अभी भी लोगों की परवाह है, परमेश्वर की कोई परवाह नहीं। और इसीलिए बाइबल कहती है शाऊल लंबा नहीं चला और दाऊद 70 साल के बाद इतना बूढ़ा हो गया। आप देखेंगे इज़राइल की हिस्ट्री में कोई राजा नहीं था दाऊद के जैसा, जिसने 70 लड़ाइयां लड़के बिना किसी अपने शारीरिक नुकसान के वो जीवित रहा, और उसको हटाया नहीं क्या मार के राजद्रोह की गोष्ठी करके, बल्कि उसने खुद अपने हाथों से अपनी गद्दी अपने बेटे को दी। आपको कोई राजा ऐसा नहीं मिलेगा। क्यों, क्या दाऊद ने गलती नहीं की, उसने गलती, पर उसने अपनी गलती को स्वीकार किया कि प्रभु मुझ पे दया कर, मुझे मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर, मुझे अपना आत्मा दे, अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अब मैं तेरा हूं, मेरी हड्डियों की बेचैनी दूर कर। दाऊद को परवाह नहीं थी लोग क्या कहेंगे, उसको परवाह थी मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। लेकिन आज लोगों को परवाह है कि इंटरनेट पर उनकी छवि खराब नहीं होनी चाहिए। इंटरनेट एक फेक दुनिया है, इसलिए ना तो कभी मैं इंटरनेट की ट्रोलिंग से डरता हूं, ना किसी ऐसे फेक लोगों से डरता हूं। ये एक फेक दुनिया है, यहां पर आप सिर्फ अपना काम करने जाते हैं और उन लोगों तक पहुंच जाते हैं जो जेन्युइन है, अदरवाइज ये एक फेक लाइफ है। मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूं। परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए उसका यूज करो, लेकिन वो ओरिजिनल लाइफ नहीं है।
बड़े बड़े भाषण देने वाले आप अगर आप उनकी फैमिलीज में जाके देखेंगे, आपको महसूस होगा कि इनके लाइफ में परमेश्वर एक रत्ती भर भी नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको महसूस होगा। एक विश्वासी भी ऐसा अपनी वाइफ के साथ नहीं करता होगा जो ये लोग करते हैं। बेल्टों से मारना, खतरनाक काम करने जो आपके दिमाग में भी कभी नहीं आ सकते, क्योंकि हमें इंटरनेट की परवाह है कि लोग क्या सोचेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं परवाह कि परमेश्वर क्या सोच रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, परमेश्वर के सामने क्या मैं सही हूं। हालेलुया। हमें अपनी लाइफ को बिना डिस्ट्रैक्शन के लेके जाना है। 2024 सुसमाचार का साल है, तैयार हो जाओ दुनिया के हर चैनल के ऊपर जाने के लिए। और शैतान को मालूम है कि ये सुसमाचार की ओर चल पड़े हैं। अब हमें प्रार्थनाएं करनी होंगी, अपने बीजों को बोना होगा, प्रेयर्स करनी होगी, फास्टिंग करनी होगी, क्योंकि पैसा एक छोटा हिस्सा है इस चीज के लिए, प्रार्थना का एक बड़ा महत्व है इस चीज के लिए, क्योंकि प्रेयर जो है वो रास्तों को साफ करती है। और आप देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से शैतान के मंसूबों को, उसके चीजों को नाकामयाब करके उसको शर्मिंदा करेगा। और मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, ये शुरू से आदत रही है मेरी कि जब आपको परमेश्वर के लिए खड़े होने का मौका मिले, मत डरो, खड़े हो जाओ। अकेले हो, भीड़ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुदावंद आपके साथ होगा। और जितने डरपोक लोग हैं ये समय पे नहीं बोलते, समय पे फिर जब बोलने का समय तो फिर प्रेम का प्रचार करते। क्या प्रेम का मतलब यह है कि एक वेश्या को बचाने के लिए मुझे उसके साथ सोना पड़ेगा, एक शराबी को बचाने के लिए मुझे उसको शराब पीनी पड़ेगी, ये प्रेम है? क्या यीशु मसीह ने जब भवन में जाके कोड़े मार के पैसे बिथरा दिए, क्या वो प्रेम नहीं करता था उस समय? क्या जब यीशु मसीह उनको मूर्ख मूर्ख कहता था, क्या उसमें तो प्रेम नहीं था? क्या जब पौलुस है निर्बुद्धि गलातियों बोलता था, क्या उसमें प्रेम नहीं था? प्रेम का मतलब परमेश्वर के लिए खड़े होना भी है। हालेलुया। और प्रेम का मतलब परमेश्वर की पवित्रताई के लिए खड़े होना भी। अपने घर में पवित्रताई को मेंटेन करें, अपनी लाइफ में मेंटेन करें, सिद्ध व्यवस्था के ऊपर ध्यान दें कि सिद्ध व्यवस्था क्या कहती है, मुझे इस पे खड़े रहना है और मुझे भूलना नहीं, मुझे लगातार इसमें बने रहना है। आप सेम नहीं होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप सेम नहीं होंगे, आप सेम नहीं होंगे परिवारों समेत। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च, मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हमरा चर्च के पास आज से 17 साल पहले भी जो हील हुए थे उनका डाटा है। तुम एक गेम खेलोगे, मैं 1000 बंदा खड़ा कर दूंगा जो आज गवाही देगा कि 15 साल पहले मैं कैंसर से हील हुआ हूं, ये मेरी फोटो तब की, ये अब की। क्या कर लोगे तुम? तुम जेन्युइन को हरा नहीं सकते, तुम लाख कोशिश कर लो। और ये टेस्ट है, फर्स्ट आएंगे। आमेन। तुम भी मेरे साथ फर्स्ट आने वाले हो। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। पिछले डिलीवरेंस मीटिंग से लेके 31 नाइट तक जितना वचन प्रीच हुआ है उसे दोबारा सुनो घर जाकर और उसे फॉलो करो। डिलीवरेंस वीक से कब तक, बोलो अपने पड़ोसी को, डिलीवरेंस वीक से 31 नाइट। और मैं अपनी टीम को बोलना चाहता हूं जो आप लाइव चलाते हो, 31 से लेके सारे सरमन अलग अलग चलाओ लाइव पर, जब भी लोग देखें तो यही इन्हीं चीजों को देखें और उन्हें दोबारा सुनो और दोबारा सुनो और उसे फॉलो करो। और ये देखो कि आप भूले नहीं जो वचन बोले गए हैं, आप उन्हीं पे चलते रहें। 2024 आपकी टेस्टिमनी बिल्कुल श्योर है, मैं आपको सच कह रहा हूं, 100% श्योर है। जो वचन मैंने आपको डिलीवरेंस वीक्स के दौरान दिया है वो आम वचन नहीं है। अगर आप उसे दोबारा सुनेंगे आपको लगेगा प्रभु अभी भी मुझसे बात कर रहा है। उसको सुनो दोबारा से और उसको फॉलो करो, क्योंकि परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी यही है। अगर मुझे लिबर्टी चाहिए तो यही लॉ है,
और ये परफेक्ट है, ये सिद्ध व्यवस्था है जो परमेश्वर ने मुझे दी है। और बस एक उसकी कंडीशन है कि उसे करते जाना है, उसे छोड़ना नहीं है। दिल करे ना करे, वातावरण कैसा है, परिस्थितियां कैसी हैं, दुख है सुख है, नो प्रॉब्लम। दिल कर रहा है नहीं कर रहा, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। आप सेम नहीं होंगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च, आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी, सिद्ध व्यवस्था स्वतंत्रता की तुझे ध्यान देना है। वचन जो सुना है भूलना नहीं है और उस पे चलते जाना है। आमीन। और जो मोटे मोटे वचन हैं, जो मेजर मेजर हैं, वेदी बनाना, रोज प्रेयर करना, बाइबल, वो अपने घरों के ऊपर वाइट पेपर्स बना के या ऐसी चीजें बना के, फ्रेम्स बना के, उन्हें लिख के या प्रिंट करा के रखो, आप देखो क्या होता है। ओके? अपने बेडरूम में, अपने बाथरूम में, अपने जहां भी, कि मुझे प्रेयर भूलना नहीं है, वचन भूलना नहीं है। हर जगह जहां आप जाएं आपको वो नजर आए और वो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। आप जहां भी अपने घर में जाएं वो सामने लिखा हो, आज प्रेयर की है क्या। हालेलुया। क्या आज बाइबल पढ़ ली है, तो आपको समझ आएगा। ये मेजर मेजर वचन जो हैं आपके घरों में लिखे होने चाहिए, आप नोटिस करोगे। मैं आपको बता रहा हूं, डिलीवरेंस खेल नहीं है, ये इंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक सीरियस इशू है। फैमिली डिलीवरेंस, नशों से फैमिली की डिलीवरेंस लेना, पापों से, श्रापों से, गरीबी के श्राप से, इजी नहीं है। आपको एफर्ट करना पड़ेगा और लगातार टिके रहना पड़ेगा और आप फ्री होकर वापस आएंगे। चलो तो सही, आज से स्टेप लेना स्टार्ट करेंगे। आमीन। जो वचन बोला गया, प्रीच किया गया पिछले हफ्तों में, आप उस पर चलेंगे, आप उसको सुनेंगे, आप उसको फॉलो करेंगे, फिर आपको यह समझ आएगी कि आपको इन वचनों के ऊपर कॉन्टिन्यूस ध्यान देना है और इन पे चलना है। सिद्ध व्यवस्था स्वतंत्रता की दिमाग में रखना है कि लिबर्टी की, फ्रीडम की एक व्यवस्था है सिद्ध, जो मुझे मिली है वचनों से, बाइबल से, प्रोफेटिक वर्ड के रूप में, मुझे उसको फॉलो करना है और मैं कभी फेल नहीं होगा। आप में से एक भी जन फेल होने के लिए नहीं बनाया गया है, सिंगल पर्सन। इमेजिन करो, जो साइंटिस्ट हैं, हाँ, एक साइंटिस्ट था ना जो बिल्कुल व्हीलचेयर के साथ जुड़ा हुआ था, क्या उसका नाम है, स्टीव हॉकिंस, ऐसा कुछ नाम है, हाँ, या स्टीवन हॉक, जो भी इसका नाम है। इमेजिन करो, वो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन महान साइंटिस्ट में आता है। सोचो एक आदमी अपनी शारीरिक अबिलिटी से इतना बढ़ सकता है, और सोचो जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो कहां जा सकता है, किस पोजीशन पे जा सकता है, कैसे झंडे गाड़ सकता है अगर वो खुदा के नाम में आ जाए तो। आप समझ रहे मेरी बात, जस्ट वो फेथ जगाने वाला काम है कि अगर परमेश्वर मेरे साथ है मैं क्या कर सकता हूं। अपने हाथों को उठा, अपने घुटनों के भार आ जाओ, अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस हिलाओ, अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलो। याद रखो, मनन करना, मेडिटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है डिलीवरेंस के लिए। कि क्या बोला गया था मुझे, जो बोला गया था उस पर भी मनन करते रहना, क्योंकि ये परफेक्ट लॉ है, कभी गिरेगा नहीं। उस पर चलना, उसके विषय में काम करना, योजनाओं को बनाना कि मैं किस तरह से इस वचन के ऊपर चलकर इसे पूरा करूंगा। आप जानते हैं जीसस ने क्या कहा, जीसस ने कहा अन्य जातियां इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं, वो क्या खाएंगी, पिएंगी, रहेंगी, जाएंगी, लेकिन तुम्हारा स्वर्ग के पिता जानता है तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत है। कहा कि नहीं कहा, आंखें खोल के मेरी ओर देखो, कहा कि नहीं कहा। पर जीसस ने कहा, परंतु तुम मेरे धर्म और राज्य की क्या करो,
तो ये वस्तुएं भी तुम्हें पीछे पड़ के क्या होंगी? लोगों को पता क्या लगता है, आप जब जीसस बोल रहे ना खोज करो, आपको क्या लगता है खोज कैसे होगी? अच्छा ये बताओ, आसान होगी कि मुश्किल होगी? कभी खोज करते देखा डायनासोर की हड्डियों की? आसान होती भाई साहब, 10-10 साल एक पहाड़ को खोदते रहते, खोदते भी ऐसे नहीं कि जेसीबी लाई धैड़ तेरे दी खोद दिया, इतने से ब्रश से ऐसे ऐसे 10-10 साल 5-5 साल खोज करने वाले। खोज करना फोकस वालों का काम है। खोज करने का मतलब है कि अपनी लाइफ की सारी एनर्जी इकट्ठी करके एक चीज पे लगा देना, उसे खोज बोलते हैं। पीएचडी स्टूडेंट है यहां पे? ओके सुनो, जब पीएचडी स्टूडेंट को बोला जाए एक खोज करो, एनर्जी लगती है, समय लगता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब खोज करने के लिए बोला जाए तो वो आसान नहीं है। खोज का मतलब होता है कि अपनी लाइफ की सारी डिस्ट्रेक्शंस को छोड़ के एक खोज में लग जाओ। जीसस ने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज करनी। खोज आसान नहीं है। लोगों को लगता है खोज करो मतलब चर्च जाओ तो खोज हो गई। नो, खोज करने का मतलब है अपनी लाइफ की कमियों को देखना, परमेश्वर के वचन में बढ़ना, उसके भेदों को समझना, परीक्षाओं में परमेश्वर के साथ वफादार रहना, अपनी लाइफ की पूरी एनर्जी और फोकस खोज के ऊपर लगाना। कहता जब तुम ये करोगे सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाए। ये आसान नहीं है। इसलिए आप देखते हो लोगों की लाइफ में कि यार ये क्रिश्चियन है लेकिन इसकी जीवन में तो वो सब नहीं है जो परमेश्वर ने कहा कि सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। क्योंकि क्रिश्चियन होने का मतलब ये नहीं कि उसने खोज की है। जिसने खोज की है परमेश्वर चाहता है उसका तन मन धन दिमाग दिल एवरीथिंग उस खोज में चला जाए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यूपीएससी की तैयारी देखी है? जो आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ काम करते हैं, सीएम के साथ काम करते हैं, सब योजना बनाने वाले ये लोग होते हैं। ये बताते हैं धरती की सिचुएशन की, ऐसा कर लिया जाए ऐसा ठीक रहेगा, नहीं ऐसा गलत हो जाएगा, ये बताते हैं। उनका पेपर चेक करो, सारी जिंदगी लग जाती है उनको, पूरी लाइफ छोड़ देते। यूपी बिहार वाले क्यों इसे पास कर लेते ज्यादा? उनके पास डिस्ट्रेक्शंस नहीं, बड़े बड़े फोन नहीं, और कोई चॉइस नहीं है। हमारे पास चॉइस है, नहीं हुआ चल चल कर बेटा चल अमरीका, कोई नहीं पुआ हैगी उथे इटली च कहना पुआ साथ ला, मैं 2 बारी हो गया फेल हूं। उनके पास ऑप्शन नहीं है, यूपी बिहार वालों के पास। उन्हें पता है जीना मरना इधर ही है, तो वो फोकस लगाते हैं, एफर्ट कर देते हैं, जिंदगी लगा देते हैं और पास हो जाते हैं। मोस्टली अब दुनिया में, आप इंडिया में जहां भी आईएएस ऑफिसर देखोगे बहुत से यूपी बिहार के होंगे। रीजन, ऑप्शन ना होना। जब आपके पास ऑप्शन है कि कोई गल नहीं परमेश्वर ने तो हो रही, फिर काम नहीं होगा। जब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि जीसस ही है, पीछे मुड़ना नहीं है, और कोई खुदा नहीं है, और कोई चारा नहीं है, यही है, कामयाबी शुरू हो जाएगी उस। जब एक मन परमेश्वर देख लेगा, मेरा मन एक होने को कितने साल लग गए थे, हर बार अगर इस बार हीलिंग नहीं हुई मैं सुसाइड कर लूंगा, तो परमेश्वर मुझे लटकाता गया, इतना लटकाया इतना लटकाया इतना लटकाया इतना लंबा लटकाया कि मैं दुखी हो गया जब तक मैंने अपने आप को बदला नहीं और मन बना लिया कि अब इसी में घुसना है, हीलिंग हो ना हो, मरे जिए खाए, इसी में रहना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? खोज करने का मतलब ये है, पूरा एफर्ट। अगर आपको तंबाकू की आदत है या आपको तंग करता है, इसका मतलब इसे छोड़कर खोज करनी पड़ेगी। ये शारीरिक चीज है और ये आसान नहीं होगा। जैसे तुम खाना खाओगे फिर लगे सिगरेट का काश ला ली, हाँ, जैसे शाम पड़ेगी बोलेगा चल यार आज 2 पैग ला लेने, कल तो छोड़ देंगे, कल तो छोड़ रोज 2 पैग, नो, आपको अभी छोड़नी है, अभी त्यागनी है, फाइट करनी है, खोज करनी है। जीसस ने कहा जब तू ऐसे खोज करेगा दुनिया की सब वस्तुएं तब तेरे पीछे आएंगी।